कबूल फरमाए। आमीन। इसके बाद बिना किसी तकलीफ के मैं मेहमान मुकर्रम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद निजामुद्दीन साहेब कामत बरकातुहुम मुंतकिल मदरसा मरकजी हूँ। हजरत वाला से दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत वाला अपने कीमती किताब से सबको بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدنيا المرأة الصالحة وقال عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى يقول وَإِن سَلَّمْتَنِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز حضرات علماء کرام بزرگان دین پردہ نشین محترم خواتین اس وقت یہاں پر امت کی ماؤں کو امت کی بہنوں کو امت کی بچیوں کو اور امت کے مستقبل جو بچے ہیں ان کو اور پھر تمام ذمہ داروں کو جوڑ کر ایک سلگتا ہوا مسئلے کو لے کر فکر مند ہو کر یہاں پر دعائیہ مجلسوں کے ساتھ ایک مذاکرتی اور فکری مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس وقت جو مسئلہ ہم سب کے سامنے موجود ہے وہ مسئلہ کوئی معمولی اور سرسری پھسپھسی اور بالکل ہلکا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے فکر مند ہونا چاہیے۔ دیگر جلسوں کی طرح یہاں آئے بیٹھے اور اپنے کانوں کے اعتبار سے کچھ مزیدار باتیں سنیں، کچھ لطائف ہم نے سنے، ہنسے اور مسکرائے اور یہاں سے اٹھ کر چل دیے، اس کے لیے یہاں نہیں بلایا گیا۔ یہاں جو بلایا گیا ہے ہم
आगे चलकर क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या करना था, क्या करना चाहिए था, क्या करने से हम लोग गाफिल रह गए, और आइंदा हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरीके से हम अपना निज़ाम बनाना चाहिए, वो सब तरतीब बनाने के लिए यहाँ जुड़े हुए हैं। हमेशा एक बात हमारे असलाफ कहा करते हैं, एक औरत ये पांच रिश्तेदार पांच रिश्ता अपने साथ रखती है, वो अगर किसी की बेटी है तो वो किसी की बहन है, वो अगर किसी की बहन है तो एक दिन आएगा वो किसी की बीवी बनेगी, जब वो किसी की बीवी बन गई तो वो किसी की माँ बनेगी, जब वो किसी की माँ बन गई फिर उस ख़ानदान के अतबार से किसी की वो बहू बनी, किसी की वो खाला बनी, किसी की वो चाची बनी, किसी की वो फूफी बनी, आगे चलकर वो नानी बनी, आगे चलकर वो दादी बनी, गोया एक खातून के साथ कई रिश्ते वाबस्ता हैं, गोया उस खातून की शान ये तमाम रिश्तों की शान है, वो खातून की आनो बान ये तमाम रिश्तों की आनो बान है, ये खातून की इज्जत ये तमाम रिश्तों की इज्जत है, ये खातून की जिल्लत ये तमाम रिश्तों की जिल्लत है। गोया एक खातून को चाहिए, एक औरत को चाहिए कि वो अपने सुधार को सिर्फ अपना सुधार ना समझे, कल का दिन कोई कहेगा बेटी हो तो ऐसी, बहन हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी, माँ हो तो ऐसी, खाला हो तो ऐसी, फूफू हो तो ऐसी, बहू हो तो ऐसी, अगर कोई कहती है नंद हो तो ऐसी, रिश्ते के अतबार से जितने रिश्ते हैं उन तमाम रिश्तों को लोग याद करें। हमारे नानी ऐसे होते थे, हमारे दादी ऐसे होते थे। मेरे वालिद मोहतरम हमारे दादी के सिलसिले में कहा करते हैं कि जिस वक्त मेरी दादी कुरान पढ़ाया करती थी माशाल्लाह वो तकरीबन पारे की हाफिज़ा थी, और कुरान वो पढ़ाती थी खाना पकाते पकाते, पकवान करते करते, तरकारी काटते काटते, जितने बच्चे कुरान पढ़ते थे वहाँ से वो अपनी तजवीद की गलतियों की इस्लाह करती थी, और वहाँ से वो रहकर कुरान पाक के हरूफ को दुरुस्त किया करती थी। इतना ज़्यादा अब हम फ़ख्र से बोलते हमारी दादी, बेफ़ख्र से कहते हमारी दादी, तो हो हम ऐसे कि हमारे रिश्ते को लोग एक फ़ख्र महसूस करें, माशाल्लाह हमारे चाची, माशाल्लाह हमारे खाला, माशाल्लाह हमारे पप्पू, माशाल्लाह मेरी बेटी, माशाल्लाह मेरी बीवी। अब हम लोग हमेशा अपना जाहिर संवरने में तो लगे रहते हैं, मेरी आँख बड़ी खूबसूरत लगे, मेरे होंठ बड़े खूबसूरत लगे, मेरे गाल बड़े खूबसूरत लगे, मेरे बाल बड़े खूबसूरत लगे, मेरे कपड़े बड़े खूबसूरत लगे, अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती को औरतों को बड़ी फिक्र रहती है, और उस पर हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार। बेखूबसूरती बे मेकअप के सिलसिले में हमारी जुनूब की औरतें इतना ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होती शुमाल के मुकाबले में, शुमाल में उसका बड़ा इंतज़ाम भी रहता है एहतमाम भी रहता है, लेकिन जुनूब में दीनदार ख़वातीन इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं करती। जो दुनियादार होती हैं वो बहुत ज़्यादा घर से निकलने से पहले एक घंटा तो अपने सजने में लगती हैं, लगा देती हैं। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ जिस तरह हमारे ज़ाहिरी हुस्न को हम लोग सजाने की बड़ी फ़िक्र करते हैं, सबसे ज़्यादा बालों की फ़िक्र, सबसे ज़्यादा खालों की फ़िक्र हमारे ख़वातीन को रहती है, होना भी चाहिए, इसलिए कि आप किसी की अमानत हैं, आप किसी की अमानत हैं, आपका शौहर के लिए आप ही हैं जिनके ज़रिए से आपके शौहर अपनी आँखों की ठंडक हासिल कर सके, नहीं तो आप सजेंगे नहीं तो फिर कौन सजेगा।
आपका सजना सुन्नत है, आपका सजना इबादत है, आपका सजना अल्लाह के अल्लाह की एक नेमत है, बल्कि हुजूर का हुक्म है। क्यों? वो इसलिए ताकि आपके शौहर की नज़र सिर्फ आप पर लगी रहे, और आपके शौहर की नज़र आपसे हट रही है तो इसका मतलब ये है कि आप जो हुकूक शौहर के हैं, आँखों के हुकूक, आँखों के हुकूक, अखलाक के हुकूक, आदतों के हुकूक, भाई हम तो दारुल क़ज़ा में बैठते हैं, हम कहते हैं देखो ख़वातीन को यूँ समझाते हैं, अगर तुम्हारी तबीयत में चिड़चिड़ाहट होगी तो याद रखना तुम्हारे शौहर के मिजाज में भी चिड़चिड़ाहट पैदा होगी। क्यों? इसलिए कि तुम चिड़चिड़ बन गई हो और तुम्हारी चिड़चिड़ाहट नफ़रतों को पैदा करने का सबब है। तुम्हारी चिड़चिड़ाहट को मामूली चिड़चिड़ाहट मत ना समझो, और तुम नहीं मैं इस बहुत सादी सीधी मैं बहुत सादी सीधी शादी के शुरू में बहुत एहतमाम होता है कि शौहर आने से पहले अपने आप को सजाओ, अपने आप को अच्छी बेहतर से बेहतरीन बनाओ, लेकिन जिस वक्त शौहर तशरीफ ला चुके हैं तो फिर धीरे धीरे चलते चलते वो तमाम चीज़ों का एहतमाम ख़त्म हो जाता है। घर के अंदर आते ही शौहर को मुस्कुरा कर इस्तकबाल करने की सुन्नत 100% ख़त्म हो गई। अगर मैं पूछूं शौहरों से तुम्हारी को किस किस की बीवियां मुस्कुरा कर इस्तकबाल करती हैं ज़रा बताओ, तो ये भी हाथ नहीं उठाएगा। क्यों? चेहरा बता रहा है, चेहरा बता रहा है। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ बहुत सारी सुन्नतें हैं, उन तमाम सुन्नतों के साथ ये सुनो सुन्नतों को इख्तियार करने का हुक्म क्यों दिया गया? ताकि घर में रहने वाली बच्ची तुम्हें देखकर तरबियत हासिल करे, तुम्हें देखकर तरबियत हासिल करे। इसलिए कि सबसे पहली मुअल्लिमा बच्चियों के लिए माँ होती है। मैं हमेशा कहा करता हूँ अगर कोई कोई किसी की बिगाड़ है, अगर किसी की तबीयत में बिगाड़ है, किसी के मिजाज में बिगाड़ है, किसी की आदत में बिगाड़ है, किसी की खसलत में बिगाड़ है, किसी के अखलाक में बिगाड़ है, उसका जुर्म उसी पर मत डालो। ये कोई डांटे हैं, ये को ही हम लोग कोसते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, आप ये को क्यों कोस रहे हो? उसका क्या कसूर? उसका कसूर तो नतीजतन हुआ है, लेकिन इब्तदान देखो, माँ का कसूर नहीं, इब्तदान देखो बाप का कसूर नहीं, इब्तदान देखो बहन का कसूर नहीं, इब्तदान देखो भाई का कसूर नहीं, इब्तदान देखो माहौल का कसूर नहीं, इब्तदान देखो ले जाकर जिस स्कूल में तुमने जमाया और जिस कॉलेज में तुमने जमाया, क्या उस कॉलेज में जमाने का कसूर नहीं? अबावाहु अल्लाह के रसूल ने इस बात की वजाहत फरमाई, तुम लोग आम तौर पर बच्चों पर इल्ज़ाम लगाते हो, बच्चों पर इल्ज़ाम मत लगाओ। ये कहा अबवाहु युहविदानी ही व युनस्सिरानी ही व युमज्जिसानी ही। अरे भाई कसूर किसका किस पर लगाना चाहिए? फरमाया कसूर जो लगाना चाहिए आपको वो यहूदी बनाने वाले माँ बाप हैं, नसरानी बनाने वाले माँ बाप हैं, यहूदी बनाने वाले माँ बाप हैं, मजूसी बनाने वाले माँ बाप हैं। माँ बाप को क्यों नहीं कहते? बच्ची को तुझे शर्म नहीं आती क्या? तो बेहया क्या? तो बेगीरत क्या? अरे भाई वही जुमला बेहया जिसने बनाया उससे भी कहो बेहया। बच्ची बनी थोड़ी है, बनाई गई। बच्ची बनती बाद में है, बनाई पहले जाती है, पहले बनाई जाती है। घर के अंदर बेहया माहौल पैदा करना, पहले एक ज़माना था मेरे भाइयों, ज़रा खुलकर बोलने दीजिए, फिल्म वगैरह देखते हुए ऐसे यू फिल्म क्या मतलब? फैमिली के साथ बैठकर देखा जा सकता है। अब आड़े टेढ़े पूरे फिल्म सब बैठकर जब देखेंगे सब बेहया बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये सबसे पहली मुसीबत कहाँ से शुरू हुई? जिस वक्त घर में बाप भी बेहयाई देख रहा हो, माँ भी बेहयाई देख रही हो, बच्चे भी बेहयाई देख रहे हो, और उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे नाबालिग वो भी बेहयाई देख रहे हो, तो बेहयाई इज्तिमाई तौर पर पैदा हुई कि नहीं होगी? इस बेहयाई को आप एक पर कैसे कह सकते हो?
ये बेहया, ये बेहया, ये बेहया, बेहया का बाप भी तो बेहया है। इन्हें बेहया, तू बेहया का बाप। इन्हें बेहया, तू बेहया की माँ। इन्हें बेहया, तू बेहया की बहन। इन्हें बेहया, तू बेहया की बेटी। अरे भाई, कोई सीमा नामी औलाद के साथ अगर भागकर आ रही है और आकर बेशर्मी का अपना मुजाहरा कर रही है, तो उस एक का कसूर नहीं, शौहर का भी कसूर है। मैंने कबूल किया जब से तुमने कहा। अरे भाई, एक दो तीन चार भागने की खबरें आपको मिलती हैं, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, दुनिया पूरी कोई भागकर बेहया है, कोई भागे बगैर बेहया है, फैमिली के साथ बेहया है, घर के अंदर बेहया है। कितनी ऐसी ख्वातीन जो माम ना महरमों से फोन में बात नहीं करते, बताओ। सब औरतें करती हैं, सब औरतें करती हैं। फोन जो कह, कौन तुम्हारा चिच्चा क्या फोन करे, नहीं उनको पड़ोस से बात करने की इजाजत है क्या? ये फोन जब से आया, मेरे अजीज भाइयों, माजरत के साथ कहना चाह रहा हूं, हर औरत गैर मर्दों से बात करती है। मैं तो कहता हूं, मौलाना उबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिस वक्त 100 घरों में, बल्कि 500 घरों में एक घर में फोन होता था, कितने? अरे 500 घरों में एक घर में फोन होता था। याद है ना आप लोगों को, पुराने जमाने में किसके घर में फोन होता था, बताओ। उस वक्त में मौलाना उबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, अरे किसी ना महरम का काल आ जाए तो उस वक्त में औरतों को चाहिए अपने मुंह पर कपड़ा रखकर बात किया करें। कौन कौन ना महरम, क्या चाहिए? फरमाया, अपनी बात में लचक पैदा ना करो, सख्ती के साथ क्या चाहिए। वो सुनने वाला सुने, अरे बहुत गर्म ही हमें लगा, कौन ने क्या होना सको, तो ये इस्तकबाल, इस्तकबाली वाले अल्फाज हैं। ये कौन से अल्फाज हैं? इस्तकबाल यानी आप कहिए, मैं सुनने को तैयार हूँ, आप कहते रहिए मैं भी कहती रहूँगी, आप बताते रहिए मैं भी बताती रहूँगी। शर्म नहीं आती आपको? जब ना महरम फ़ोन कर रहा है, आपको कौन पूछने का हक क्या बना, बताइए, क्या ज़रूरत कौन पूछने की? और आजकल के ज़माने में घर में मर्द नहीं है भी कहना जुर्म है। क्यों? हो सकता है वो टेस्टिंग के लिए फ़ोन किया हो, मर्द है कि नहीं है पूछने के लिए। जब पता चल गया मर्द नहीं है, तो फिर शरारत करने वालों के शरारत का दरवाज़ा खुल सकता है। इसलिए इस वक्त हमारे अकाबिर कहते हैं, अरे भी अपने घरों में चाहे पूरे मर्द बाहर निकल जाएं, तब भी मर्दों के चप्पल बाहर रखा करो, एक दो चप्पल बाहर रखा करो, ताकि कोई आए देखे तो समझे अंदर मर्द हैं। मर्दों के चप्पल, औरतों के चप्पल अंदर रखा करो, मर्दों के चप्पल बाहर रखा करो। इतना ज़्यादा हमारा इस्लाम हमें बचाने को कोशिश करता है, लेकिन हम हैं कि उन तमाम चीज़ों से खुली टोटी में कुत्तों का राज। मैं हमेशा कहा करता हूँ, तमिल में मशहूर मकोला है, आवदुम पेन्नाले मनीषन आवदुम पेन्नाले, क्या मतलब? अरे भाई, हर होना और बिगड़ना, बनना और तबाह होना सब औरतों के हाथ में। औरत अगर तकवे वाली है, तहारत वाली है, खौफ वाली है, खशियत वाली है, थोड़े में जिंदगी गुजार कर शौहर की इज्जत बचा सकती है, थोड़े में। क्यों? मेरा शौहर रोटी की चटनी की घर में जो भी खिलाए, लेकिन खिलाने वाला इज्जत से खिला रहा है, वो मेरा शौहर है। लेकिन अगर वो ऐसी आवारा किस्म की औरत है, बेहया औरत है, बेशरम औरत है, नाफरमान औरत है, करेगी क्या? कि हारून का खजाना ला को लुटाएगा तो भी क्या दे डाले, क्या कर डाले, बोलते कि नहीं बोलते? ले जाकर ताजमहल में भी क़याम करा डालो, तब भी नाशुक्री, नाशुक्री खातून नाशुक्री ही बनेगी।
फरमाया हुजूर ने सबसे ज़्यादा जहन्नम में मैंने औरतों को देखा। पूछा क्यों हुजूर? फरमाया वो यकफुरना, नाफरमानी करती हैं। फौरन साहबा ने पूछा हुजूर यकफुरनल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी करती हैं? कहा नहीं, यकफुरनल आशीरा, शौहर की नाफरमानी करती हैं। इस वक्त घर जितना तबाह है वो क्यों? औरतें अपने हाथों में जे जे हुकूमत ले ली, या जे जे टी सी याद है कि भूल गए? अरे भाई जे जे टी सी चलती थी कि नहीं चलती थी? अब हर घर जे जे टी सी हो गई है। किसी को तुम छुपके बैठे जी तुम ना मालूम नहीं, दामाद का इंतखाब भी आजकल औरतें करने लगी। दामाद का इंतखाब कौन करने लगी? औरतें। बहुओं का इंतखाब तो औरतें करती ही हैं, दामाद का भी इंतखाब औरतें। भाई फलां नहीं, फलां जगह नहीं, फलां। आज इस वक्त 90% मर्द जो कंगाल हुए वो औरतों की वजह से हुए। इसलिए मैं मस्तूरा से कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते तुम्हारे मिजाज में तब्दीली पैदा करो। क्या हजरत खाली हमना बोल रहे ना, उनको मगरिब के बाद बोल तू। मर्दों को जो बोलना वो कब बोलना है? मगरिब। कौन पेशेंट कौन सा थिएटर में आता है कि उसका ऑपरेशन करती हूँ? सो थिएटर में पेशेंट है, कोई ऑपरेशन किया जा रहा है किसी का, ऐसा थोड़ी होता है। इस वक्त पेशेंट आप हैं, आपसे मैं खिताब कर रहा हूँ, आपसे मैं बोल रहा हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँ तुम्हारे दिमाग पहले सुधारो, बहुत अकलमंदा समझो लोग अपने आप को। तुम आप हजरात आधी अकल वालियां हैं, ये याद रखना। क्या मतलब? तुम्हारी सोच आधा सोच ही है, फाइनल सोच नहीं। ये करदा लो जी करदा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उनको कुछ मालूम नहीं, कुछ अलग बढ़ जाती। नाकिसातुल अक्ली व दीन, कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाकिसातुल अक्ल है, आधी अकल है और आधा दीन है। आधा दीन नमाज़ें माफ, दरमियान दरमियान में मर्द हजरात पूरी नमाजें पढ़ते हैं और औरतें पूरी नमाजें, मर्द हजरात पूरा रोज़ा रखते हैं, औरतें पूरा रोज़ा नहीं रखती। और अकल अकल भी आधी, खाली सामने का ज़र्रा उनको तारीफ कर डालो, उन जो तारीफ करे उनसे बड़ा फरिश्ता कायनात में कोई नहीं। कोई तौहीन कर दें तो उनसे बड़ा शैतान कायनात में कोई नहीं। जी उन्हें झूठी तारीफ जी करे आसो, खाली कौन के जना आपा 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 बोल को तापा खोल डाल दा। क्या मतलब? घर का दरवाज़ा आपा 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 बोल डाल को घर के अंदर आपको बढ़ जाता। होता कि नहीं होता? कौन जी इन्हें? नहीं, हमारा भाई के सका, भाई के सका सगा हो जाता क्या? बोलो भाई, भाई का सका जो है सगा हो जाता है क्या? कैसा लाखों बिठाए, कैसा लाखों बिठा? बड़ी हमदर्दी रोड में आने जाने वालों पर। शौहर को यहाँ इडलियाँ खिलाने की तौफीक नहीं, पानी लाखों देने की तौफीक नहीं, शौहर को खुश रखने की तौफीक नहीं, शौहर के साथ ऐसा मामला करती जैसे जल्लादन करती हो, लेकिन बाहर वाले को बहुत खुश, बोलो अंकल बोलो आंटी, शर्मानी चाहिए ऐसे सब बेहुदा काम करने को। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, बाहर जो भी हो वो बाहर का दहलीज के अंदर आने की इजाजत हरगिज किसी को नहीं है, आए किसी अंदर। और हम आराम से जरा जरा हमारे बच्ची को कॉलेज तक छोड़ डालो बा, जरा हमारे बच्ची को कॉलेज तक छोड़ डालो बा। कौन ने कौन की उन्हें कॉलेज को ले लिया, को छोड़ डालिया, कॉलेज को बुला ले, कॉलेज से बुला लेकर आ गया, ऐसे फिदा हो जाती इस वक्त उनके खानदान का उन्हें मसीहा। इतनी कम मखल, इतनी कम मखल। मैं अपने मर्दों से इंशाल्लाह मगरिब के बाद बताऊंगा आप हजरात को कि अल्लाह के वास्ते अपने घर की इज्जत को संभालो, वरना एक एक करके इज्जत निकलती चली जाएगी। इज्जत निकालने के लिए हराम खोरों की जमात तैयार हो चुकी है। क्या निकालने के लिए? इज्जत निकालने के लिए हराम खोरों की जमात तैयार हो चुकी है। वो दंदनाता हुआ पागल कुत्तों की तरह फिर रहे हैं। उन हराम खोरों को यही काम है कि हमारी इज्जत तबाह हो जाए, पामाल हो जाए। अरे इज्जत कहाँ है? इन्नल इज्जत लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। अल्लाह के हुक्म से इज्जत निकलकर रसूल के रास्ते से ईमान वालों तक इज्जत पहुँचती है।
और हम उस इज्जत का ख्याल रखें। अल्लाह ने हमें वो इज्जत दी है, हम कोई मामूली लोग नहीं हैं। अरे भाई, सिर्फ इस्लाम पाबंदी वाला मज़हब है, बकिया दुनिया का हर मज़हब आज़ादी वाला मज़हब है। तमाम मज़हब कहते हैं एंजॉय योर फ्रीडम। सिर्फ इस्लाम कहता है पाबंदी के साथ रहो, सरेंडर लाइफ गुजारो, ये इस्लाम कहता है। एंजॉय योर फ्रीडम, ये इस्लाम का नारा है ही नहीं। लेकिन दुनिया भर का मजहब आज़ाद। अमेरिका में मेरे अजीज भाइयों, आपको मालूम होनी चाहिए 70% बच्चों के बाप का नाम नहीं पता। इसलिए अमेरिका के हुकूमत ने जितने फार्म बनाए हैं उसमें फार्म में सन ऑफ डालने के बाद फादर्स नेम नहीं, चॉइस छोड़ दिया। यू कैन राइट यूअर मदर्स नेम और फादर्स नेम, तुमने चॉइस दे दिया है। कि अक्सर लोग अपना मदर्स नेम लिखते हैं, फादर्स नेम का उनको पता ही नहीं। ये है यूरोपियन कल्चर, खिंजीर खाने का नतीजा। क्या खाने का नतीजा? खिंजीर खाने का नतीजा। फिर यूरोप ममालिक में खिंजीर खाते कि नहीं खाते? उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा बेहयाई आम होती चली जाएगी। जो लोग हराम हलाल हराम की तमीज किए बगैर खाते हैं, उनके अंदर हराम का जज्बा पैदा होगा। हलाल में लज्जत और मजा नहीं मिलेगा, हराम में मजा मिलेगा। मशहूर तमिल में भी एक मकोला है, किली पोल पोंडाटी इरंदालुम कूड़ा काका पोल वप्पाटी वेनो। यह हराम खोरों के बारे में कहा गया। किसके बारे में कहा गया? अरे भाई, किसके बारे में कहा गया? हराम खोरों के बारे में। किसके बारे में? हराम खोरों के। जो हराम खाता है वो हराम मुंह मारता रहेगा। यहाँ भी मारेगा मुंह, वहाँ भी मारेगा मुंह, वहाँ भी मारेगा मुंह, वहाँ भी मारेगा मुंह। क्यों? वो है ही हराम खोर। वे हराम खाने वाले को हलाल में मज़ा नहीं मिलेगा। कैसे मिल सकता है बताओ? इसे मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अपने आप को अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह वाला बनाया, अपनी हैसियत पहचानो। मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला बना, अपनी हैसियत पहचानो। एक अल्लाह की बंदी जिसका फैसला मैं ही किया कि वो किसी के कुछ खिलाने पर, देखो इस वक्त में जितने इस वक्त बच्चियां गैरों के हवाले होती हैं, मैं चंद बातें आपको खुलकर बता देता हूं, उसमें बच्चियों का ही असल कसूर नहीं होता। कुछ ऐसी मिठाइयां, ऐसे चॉकलेट्स, ऐसी चीज़ें वो लोग खिला देते हैं जिसमें जादू का असरात होते हैं। किसके असरात होते हैं? और उसके वजह से वो बच्ची उसकी होकर रह जाती। एक बच्ची गायब हुई, गायब होने के एक माह के बाद वो घर भागकर आई, दौड़कर आई। वो बेचारे सैलम के रहने वाले थे, इसमें रहते हैं डॉलर्स कॉलोनी में, आए अलसुर में उनका एक मकान है। तो आने के बाद परेशान हजरत, में हमारी बच्ची भाग गई थी, जाको तकरीबन 35 दिन के बाद आई हैं। ये अजीब व गरीब वाक़ सुना रही है, क्या किस्सा पूछो। मैं उसे पूछा क्या माँ किस्सा, वो कहने लगी हजरत मुझे बिल्कुल होश नहीं कि मैं क्या कहाँ गई, कैसे गई, किसके साथ गई, बिल्कुल होश नहीं। डेढ़ यानी 35 दिन के बाद मैं रात को जिस वक्त सोई, आरा सो रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे हाथ से कुरान गिर रहा है। क्या देखा? कभी क्या गिर रहा है? कुरान गिरा। एक बार गिरा, दो बार गिरा, तीन बार गिरा, मैं हैबत ना कर उठ गई। अरे कुरान गिर गया, कुरान। मैं उठकर क्या देखती हूँ? कोई गैर मेरे साथ है। ये वाकया क्यों सुना रहा हूँ? आगाह हो जाओ। और सब चीज़ों पर हम लोग आँख पर पट्टी बांध कर रहने का ज़माना चला गया।
होशियारी के साथ रहना है। वो परेशान होकर कहने लगी कि मैं बाजू देखा तो कोई खैर, मैं आहिस्ता से देखी तो भाई मैं कुमकुम लगा हुआ है, मेरे कपड़े भैरों के हैं, मेरे गले पर जेवरात पड़े हुए हैं, कहाँ किधर कौन ये घर कुछ पता नहीं। मैं सीधे बाहर आई और ऑटो पकड़कर सीधे मेरे घर आ गई। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फिर उसके बाद वो लड़का आया, तलाश करते करते इसके घर आकर उसने बताया हमारा निकाह हो गया, देखो मंदिर में तुम्हें फेरे लगा कोई, तुम्हें तुमना ताली बनाया हो, ये बनाया वो बना, सब वीडियो वगैरह जो पकड़ा हुआ था सब बताया उसने। तो उनके वो बच्ची ने कहा देखो अल्लाह ताला राय के दाने के बराबर भी अगर ईमान हो, सुनो मेरी बच्चियों, राय के दाने के बराबर भी अगर ईमान है अल्लाह ज़रूर बचाएगा, बचाने वाली ज़ात अल्लाह की। और ये बच्ची जो गई वो कैसे गई खुद पता नहीं, आने के बाद कह रही है हजरत ये ख्वाब देखने के बाद उठकर भागकर आ गई। मेरे वालिदैन को मैंने पूरा वाकया सुनाया, फिर मैं वो लड़का मेरे पास ले आने को मैंने कहा, लाए वो, मैंने कहा तमिलनाडु वाला था वो, मैंने कहा देख भाई, और हालांकि वो कौम का रहने वाला कट्टर आदमी और उसका काम फ्लावर शो करना, वो एक मर्तबा इनके घर को पेंट मारने के लिए आया, पेंट मारने के लिए आकर ये बच्ची को पसंद कर लिया और फिर उसके बाद इसने क्या हरकत किया वो जाने वो जाने। फिर उसके मैंने उसे कहा देख अब तू, कुछ दुआएं मैंने उसे सिखाई, اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه। पढ़ते रहो और अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहो, اللهم اهدنا واهد بنا, दुआ करते रहो, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, खूब दुआ करो। और फिर जिक्रुल्लाह की कसरत रखो, दिल के अंदर की जलालत उसकी कबाहत उसकी खलासत सब दूर होकर अल्लाह ताला ईमान के नूर से दिल को मुनव्वर करेगा। वो किया और उसने भी किया, फिर इन दोनों को कलीमा पढ़ाकर दोबारा माशाल्लाह निकाह कराकर उसे हिजरत करवा दिया। अब वो सैलम में सुकून से जी रहे हैं, 7-8 साल का अरसा गुजर गया। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ इसका हल मार तोड़ नहीं है, मारना तोड़ना सबसे पहली बात। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ भाई, जो बच्ची घर में जाकर बासन और खाना बनाने वाली है घर में क्या करेगी, हाउसवाइफ बनकर रहेगी, वो बच्ची को डिग्री होल्डर होना ज़रूरी क्या? बोलो भाई, गर्ल्स कॉलेज में गर्ल्स स्कूल में 10th तक पढ़ लिया, फिर ले जाकर दीनी तालीम दे दिए, बच्ची को कुरान पढ़ना आ गया, दुआ सीख ली, आदाब सीख लिए, नमाज सीख ली, हलाल और हराम की तमीज़ सीख ली, बस काफ़ी है कि नहीं है? क्या ज़रूरत ज़्यादा पढ़ाने की? और आप लोग करते क्या हो, बस में आ जा माँ। अब वो बिचारी बेचारी बस में आ रही हैं, बस में कितने लोफर लोग चढ़ते तुम्हें क्या पता? मेरे वालिद खुद कहने लगे मुझे इतना इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है उस वक्त जब मुसलमान लड़कियों को गैर लड़के बसों में छेड़ते हैं, रास्ता खोलते कौन है? हम हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर भेजना बच्चियों को कॉलेज पढ़ने, 20 किलोमीटर कॉलेज पढ़ने भेजना कि भाई तुम्हारे गांव के स्कूल में पढ़ लेते क्या हो जाता, क्या हो जाता? बस काफ़ी है। और पढ़ाने का नुकसान क्या? ये नालायक जो भी इससे निकाह करेगा उसे अगर पता चले कि मेरी बीवी तो बहुत पढ़ी हुई है, ये टांग पे टांग डाल लेकर घर में बैठ जाएगा, उसे काम में भेजेगा। आधा बेंगलोर ऐसे नालायकों की बीवियां बनकर फिर रहा है, पूरे औरतें कमाती हैं, उनको भाड़खों कहते हैं जो औरतों की कमाई खाए, पूरे घर में बैठकर बच्चों को देखते हैं और औरतें काम को जाती हैं। क्यों? औरत बीएससी पढ़ी हुई और इन्हें 10th फेल, इन्हें 10th फेल, दमड़ी का काम का नहीं है। ऐसे नालायक को आपने दामाद चुना,
इसीलिए कहा जाता है शादी में दामाद भी किसे चुनना चाहिए, ऐसे कि जिसको आप अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा अंगूठी तलाश करने को भेजा। और आप अलैहिस्सलाम का ये 3 मरतबा भेजने का मंशा क्या था? पहली मरतबा मेहनती है कि नहीं, दूसरी मरतबा जफाकश है कि नहीं, तीसरी मरतबा मेहनत पर इस्तेकामत है कि नहीं। बस लोग शादी तक मेहनत करेंगे, शादी के बाद सास को तो आस बोल को ससुराल में बैठ जाएंगे, ऐसे भी लोग हैं। हाँ, ये सास के घर में जाना, वहाँ जाकर बैठ जाना। बहुत सारे मुहाजिरीन होते हैं, एक मुहाजिर उम्मे कैस सास के घर को हिजरत करके आ जाना। भाई शादी कर को तुम्हें उनको बुला लग गए सो नहीं, इन्हों तुम ना बुला लग आ गए सो, ये कौन सा सिस्टम है भाई? शादी करने के बाद इन्हों उनको बुला लग जाती, उल्टा क्या हो गया, उन्होंने इनको बुला लेकर आ गए। बहुत अच्छी बात है, आना मनानी, आने के बाद इसीलिए कहा जाता है उस दुल्हे की कोई इज्जत नहीं रहती जो अपने ससुराल के तले पलता हो। चलते चलते इज्जत का मूल्य को चली जाती, उन्होंने आ गए कुछ दिन पहले, फिर बाद में आ गया, आ गए से आ गया, आ गया से और ज़रा निचले वाले जुमले तक भी पहुंच जाते हैं। तब भी जब सास के घर का खा खा को सास के घर को तबाह कर डालते हैं ना, तब इज्जत चलते चलते कम हो रहे। बस लोगों को क्या, वो दामाद की तुम इज्जत करती, मेरी इज्जत है तू चुनखो, तू तेरी क्या इज्जत करना सो, हाँ क्या चुनखाले को है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अपने आप को निज़ाम बनाओ, बच्चियों को किस तरीके से तरबियत करना चाहिए, बच्चियों का तरबियत का निज़ाम बहुत सारे एंगल्स में किए जाते हैं। अगर तुमने घर जमाई बना लिया तो गोया यूँ समझो तुमने बच्ची को, जैसे कहा जाता है नहीं कि गुलाम की बीवी बनने से बेहतर आका की बीवी बनकर रहना बेहतर है। आप अगर शोहर के घर जाओगे आका की बीवी तुम बने, अगर तुम शोहर को अपने घर बुला लोगे तो गुलाम की बीवी तुम बन गई, तो शान किसमें है? मालिक की बीवी बनकर रहने में शान है या नौकर की बीवी बनकर रहने में शान है? तो मैं आज कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने बच्चियों को दीनदारी से मुजयन करें, कुरान सिखाएं। मैं यही कह रहा है, ये वाकया जो मैंने बयान किया वो इसलिए कि कुरान पढ़ी हुई बच्ची होने की वजह से अल्लाह ने कुरान की बरकत से बचा लिया। अबे वो जो बच्ची बची वो किसकी बरकत से बची? कुरान की बरकत से। कुरान की अजमत, कुरान का, कुरान की कदर और कीमत दिल में होने की वजह से कुरान गिरने पर फौरन हरकत में आ गई। अगर कुरान से ताल्लुक ही ना होता, अंदाज़ा लगाओ मदारिस माशाल्लाह हमारे इस गांव में कितने मदरसे हैं, लड़कियों के लिए बेहतरीन इंतज़ाम अल्लाह ने बनाया, और हमारी बच्चियों में कितनी बच्चियां हैं जो आज तक कुरान हाथ में नहीं लिए। एक साहब बोले, हजरत मैं जब शादी करने गया फलां गांव को, कहने लगे हमारी बच्ची, हाँ तुम्हें क्या पूछो, कुरान पढ़ को है हाफिज़ा भाई। इन्हों बेचारा क्या की समझ को, मेरी बच्ची हाफिजा आलिमा क्या क्या की बोले, उन्होंने इन्हें भी सुन लिए। अब इसलिए कि बेचारे उनके घर वाले भी चाहे ना, कोई भी इम्तिहान तो कोई लेता नहीं, इन्हें हाफिजा की नहीं की क्या, आकर देखे तो उसे नमाज पढ़ना भी नहीं आता, खाली सुने कहते क्या आलिमा बोले तो शादियाँ जल्दी हो जा रही है, उनको आलिमा बोले हाफिजा बोले तो क्या हो जा रही, शादियाँ जल्दी हो जा रही। हालांकि BSc तो पढ़ी हुई थी वो, लेकिन कोई दीनी तालीम हासिल की हुई नहीं थी। वो बिचारी को नमाज भी नहीं आता, ऐसी लड़की को पकड़ सर पर बांध दी। अब वो मुकदमा लेकर आ गया, मैंने कहा भाई जो हो गया छोड़ो, अब तो वो आलिमा बन सकती हैं, हाफिजा बन सकती हैं बिचारी। चलो भाई हाफिजा बिलफेल होते हैं बिलकुवा होते हैं, मैंने तावील बयान की। अब क्या करते बेचारी, बच्ची तो हमारी बच्ची होती है, बेकौम की बच्ची हमारी बच्ची नहीं होती, उसका निकाह तोड़ना अच्छी चीज़ है क्या बोलो? मैंने कहा हाँ, अरे भाई वो बिल फेलना सही बिल कुवा की नीयत करते हुए कही होगी मैं हाफिजा इंशाल्लाह बन जाऊंगी, वो तुम सुने नहीं। अब क्या करो, अब हाफिजा बनाओ। माशाल्लाह वो बच्ची अब 1 साल आलिमा कोर्स ख़त्म कर चुकी। मैं बताना चाह रहा हूँ, इसलिए अल्लाह ताला मदरसा जो आपके यहाँ
قرآن سے تعلق جوڑو، نماز کا اہتمام کرو، تمام فتنوں سے اللہ بچا لے گا۔ قرآن سے تعلق جوڑو۔ ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، آج جو کچھ بھی ہماری غفلت ہے وہ قرآن پاک چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے چند باتیں، 10 باتیں عورتوں کی، بچیوں کی سدھار کے لیے ہمارے اسلاف کہتے ہیں، ان 10 باتوں کو نوٹ کریں اور اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات کیا ہے؟ سب سے پہلے گھر کے اندر نماز کا ماحول پیدا کریں۔ بچیاں بھی، بڑے بھی، بڑی عورتیں، نانی سے لے کر دادی سے لے کر پڑ پوتری تک، سب جنے کیا کرنا؟ 7 سال کے رہے تو بھی مرو اولادکم عند 7 واضربوہم عند 10۔ پرسو ایک صاحب آئے، حضرت میری بچی بڑی ہو گئی، پھول پہن لی۔ میں پوچھا بھائی بچی کی عمر کیا؟ تو کہنے لگے 9 سال۔ مجھے حیرت ہوئی، بھائی 9 سال کی بچیاں بھی ماشاءاللہ صحت مند ہو جا رہی ہیں۔ تو اس وقت میں 9 سال میں ہی جب ہو رہی ہیں، ذرا اندازہ لگاؤ ہماری بچیوں کو ہم لوگ بڑی ہونے کے باوجود نماز نہیں سکھاتے۔ اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر بولو، ہمارے گھروں میں نماز کا اہتمام ہے؟ اور ایک بات یاد رکھو، اگر نماز کا اہتمام ہوگا، کافر کا چہرہ دیکھتے ہی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ کافر سے لا حول ولا قوہ، تعلقات تو بہت دور کی بات۔ تعلقات کیوں ہرے؟ اس لیے کہ ہم کفر کی طرف چلا گیا۔ صاف صاف بات، میں تو یوں نہیں سمجھتا نمازی نہیں، ذکر والی نہیں۔ کیوں؟ ذکر والی جا ہی نہیں سکتی، قرآن والی جا ہی نہیں سکتی۔ جو لوگ، میں تو کہتا ہوں عالمہ چلی گئی، اگر کوئی افواہ اڑا رہا ہے تو وہ یوں سمجھو وہ عالمہ بے نمازی تھی ہوگی، بے حیا تھی ہوگی، بے شرم تھی ہوگی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مدرسے میں رہ کر ماحول کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں، ارے بھائی اگر کوئی بچی ہماری مدرسے میں پڑھ رہی ہے، مدرسے میں پڑھ کر جس وقت وہ فارغ ہو تو اس وقت میں ان کی ماں کو چاہیے، ان کی خالہ کو چاہیے، ان کی نانی کو چاہیے، ان کے دادی کو چاہیے کہ میں اس وقت عالمہ کی ماں ہوں، عالمہ کی نانی ہوں، دادی ہوں، یہ سوچ کر ان لوگوں کو اپنی زندگی کو بدل لینا چاہیے۔ بعض لوگ کیا بولتی ہیں، عالمہ کی امی دیکھو کیسے ہیں، عالمہ پورے برقعے میں ان کی امی آ کر چن کھا لے کو پھرتی رہتی روڑان میں۔ عالمہ کو کون پورے برقعے میں ان کی امی چن کھا لے کر رہے تو کیا بولیں گے لوگ؟ ہاں کیا بولیں گے، تمہیں بولو بھائی کیا بولیں گے؟ عالمہ کی امی کہتے بھائی دیکھو ذرا، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ تو کیا مطلب؟ ارے ماں کی ماں، عالمہ کی ماں ہونے کا لحاظ رکھو۔ ایک بچی، چھوٹی سی بچی، وہ حاضری لیا کرتی، حاضری امی کے پاس جاتی تھی، امی حاضری ڈال لو، ہمارے حضرت بول کو ہی فجر پڑھے کیا، ظہر پڑھے کیا، عصر پڑھے کیا، مغرب پڑھے کیا، عشاء پڑھے کیا، حاضری ڈال لو۔ اب وہ بیچاری حاضری ایک دن ڈالی، 2 دن ڈالی، 3rd دن ڈالتے ہوئے اسے خود شرم آنے لگی، میں یہ بے نمازی، میری بچی 5 وقتہ نمازی، میں بے نمازی، میری بچی 5 وقتہ نمازی۔ وہ صرف اس حیا اور شرم کی وجہ سے وہ بیچاری وہ حاضری ڈالتے ڈالتے خود نمازی بن گئی۔ اور ہماری مائیں، ہماری بچی قرآن ختم کری، ہماری بچی عالمہ بن گئی، ہماری بچی حافظہ بن گئی، ہماری بچی ماشاءاللہ کلاس میں۔ اب ہمیں لوگوں کتے کی دم کے سکا چھتی سو، ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں۔ اب تبدیلی نہیں رہی تو عالمہ جاہلہ نہیں بنے گی؟ عالمہ بنی نا، گھر سے ٹی وی گئی کہ اب تک کے بولو بھائی، ہماری بچی مدرسے میں پڑھ رہی، گھر سے ویڈیو وی سی آر گیا کہ نہیں گیا، ناچ گانا نہیں گیا؟ بھائی دھیرے دھیرے گھر کے اندر بدلنا چاہیے، وہ تبدیلی کہاں آئی؟ اب ہم بھاگ گئی۔ ارے بھاگی تو بھگایا تم نے۔ اگر آپ ایسی محبت دیے ہوتے، آپ ایسی تربیت کیے ہوتے، تب وہ سوچتی ارے بھائی میری عزت، میرے خاندان کی عزت،
मेरी इज्जत मेरे वालिदैन की इज्जत, मेरी इज्जत मेरे भाई की इज्जत, मेरी इज्जत मेरे पूरे नस्ल, मेरे नस्ल की इज्जत, मेरे आबा व अजदाद की इज्जत। वो इज्जत जैसे बाद लोगों की इज्जत है ना, पूरे गांव में मशहूर है, पूरे गांव में इज्जत चली जाएगी। वो इज्जत सोचकर वो बिचारी इस्लाम की इज्जत, कुरान की इज्जत, दीन की इज्जत बचेगी कि नहीं बचेगी? अब किसी की भी इज्जत परवाह किए बगैर कोई जा रही है तो क्यों? इसलिए कि हम खुद इस्लाम की ना इज्जत, क्या उस इज्जत ना वक़ात ना अहमियत उसके दिल में बसाए, ना कुरान की इज्जत और अजमत और अहमियत दिल में बसाए, जिसकी बुनियाद पर वो चली गई किसी की परवाह किए बगैर। इसलिए मैं आज ही जानना सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमारी बच्ची वैसा नहीं। बाज़ लोग बातें करती, तुम्हारी बच्ची हमारी औरतों को बातें करने, अल्लाह अकबर, उनवान होना सुन को, क्या होना सो, उनवान मिल गया छो, बस पिट 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 गाँव गली सब पिटपिटी शुरू हो जाती। याद रखो, अगर हम किसी के बारे में बुराई करेंगे तो हमारे मनजही का जो हंसेगा उस पर भी हंसा जाएगा। अगर कोई किसी की बुराई किसी के सामने बयान करे, मौत से पहले वो खुद उस बुराई में मुब्तला हो जाएगा। हम बुराई ना करें, हमदर्दी जिताएं, नहीं भी इंशाल्लाह दहलीज पर खड़को, अल्लाह से 5 वक्त की नमाज का अहतमाम करो, 2 रकअत सलातुल हाजत पढ़को दहलीज पर खड़कर, कहाँ खड़े होकर, वो वजह का ज़ालन फहदा 313 मर्तबा पढ़ो। कितने बार? एक साहब के मुर्गा गुम हो गया, मुर्गा लड़ाकू मुर्गा बड़ा रहता है ना, है लड़ाकू में गुम हो गया। तो मैं कहा ये जिक्र करो भाई, थानवी का नुस्खा ही है मेरा, तो हम क्यों नुस्खा, थानवी का नुस्खा ही है। तो मैंने कहा ये पढ़ो, तो माशाल्लाह वो पढ़े, कहने लगे 14 दिन मैं फजर की नमाज की निकल रूं, मुर्गा आकर खड़ा हुआ है। वो जीतने वाला मुर्गा उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, वो तो लोग रखते हैं वो जीतने वाला मुर्गा, वो अलग शौक है लोगों का, तो वो मुर्गा आकर खड़ा हुआ है। एक बच्चा गुम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़े, 11वां दिन बच्चा मिल गया। इसी तरह हमारी बच्ची चली गई, अल्लाह करे कि हमारी तमाम बच्चियां वापस आ जाए। हम पढ़ेंगे रोक कर अल्लाह के सामने मुतवज्जो होकर, मेरे रब मेरे किए हुए गलती की सजा मेरे औलाद को ना दे। बहुत सारे हम ऐसे वैसे हरकतें किए होंगे ज़रूर जवानी में, शादी के बाद, या किसी को तौहीन करने, किसी को बदनाम करने, किसी पर इल्ज़ाम लगाने, बहुत सारे ऐसी गलतियां हम भूल जाते हैं जिसकी सज़ा अल्लाह हमें देता है दुनिया में। हमारे बच्चों का नाफरमान हो जाना ये भी एक सज़ा से कम नहीं है। तो इसलिए हम अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह जो गलतियां मुझसे सरजद हो गई हैं, ए मेरे परवरदिगार मैं माफ़ी मांगता हूँ, हम माफ़ी मांगते हैं, या अल्लाह जो कुछ गलती हो गई हम माफ़ी मांगते हैं, ए मेरे रब हमारी बच्ची जो चली गई उसे दोबारा लौटा दे। अल्लाह लौटाएगा, अल्लाह ज़रूर लौटाएगा, और सुनो वो आएगी और आने के बाद ईमान पर कायम रहेगी। अगर उस बंदे के हक में ईमान है वो भी ईमान में आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह इन दोनों को ईमान वाला बनाकर बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी अता करेगा। नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए इसके दिल से, इसके दिमाग से, इसके सोच से, इसके फिक्र से, इसके तमाम तरह के तसव्वुरात से अल्लाह उस खबीस को निकाल देगा। करने वाली जात किसकी? हम करना चाहिए। तो हमारी बहनों से, माओ से मैं गुजारिश करता हूँ, पहले हम लोग अपने घर में नमाज का माहौल शुरू करें। नंबर 2, कुरान का माहौल पढ़ना पढ़ाना अगर घर में नहीं है तो मदरसे से तमाम औरतें आकर जुड़ो। इल्म के लिए हमारे पास कोई उम्र मुतय्यन नहीं है, इल्म के लिए हमारे पास कोई उम्र, माशाल्लाह हमारे पास एक मदरसा है, वो मदरसे में 89 आई,
पढ़ने के वास्ते। अजान का जवाब वो लोग देंगे जो लोग दुनियावी बातों में मशगूल होते हैं, जो दीनी बातों में हैं वो दीन की बात कर सकते, इजाज़त है। इसलिए आप हजरत अजान सुनते ही एक दुआ पढ़ लें, मरहबम बिल काइलीन अदला, पढ़ो भाई मरहबम बिसलाती व अहला। और ये भी एक मसला है, दीन की बात, कुरान की बात, कुरान हदीस की बात, हदीस का दर्स, कुरान का दर्स जब हो रहा हो तो अजान शुरू हो तो उसे बंद ना करे। उसे क्या ना करे, क्यों नहीं बंद ना करे, इसलिए कि अजान का ये मकसद है। अजान का मकसद क्या, दीनदार बनाना। और बयान का मकसद क्या, क्या करना, दीनदार बनाना। और जो लोग दूसरे कामों में मसरूफ हैं वो लोग क्या करें, अजान का जवाब दें। जो तिलावत में मसरूफ हैं, जिक्र में मसरूफ हैं, वो अजान का जवाब देना उन पर मुस्तहब है। दे दिए ठीक है, नहीं दिए कोई हर्ज नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था पहला। दूसरा काम क्या, हमारे बेंगलुरु में एक खातून नवासी को लाकर दाखिला करी, तो नवासी को जब दाखिला की तो उस वक्त मौलिमा ने तरगीब दी, आपा तुम्हें भी आपको पढ़ सकती हैं, क्या भी हर्ज नहीं। तो माशाल्लाह नानी भी लाकर क्या होगी, दाखिला ले ली। तो आज नवासी की तो शादी होकर चली गई, अब माशाल्लाह वो नानी जो आकर दाखिला लिए, अब सदर मौलिमा उन्हों आकर देखिए क्या उन्हों सदर मौलिमा। अब मेरी जमात गई थी किर्गिस्तान, 6 के 6 मौलिमा उसमें उन्हें भी थे, नानी मौलिमा भी उन्हें भी थे, और जो तरगीब दिए आपा उन्हें भी थे, पूरे आलिमा। वो पूरे आलिमा कब बनी, शादी के बाद बनी, शादी से पहले कौन भी आलिमा नहीं थी। एक दो वो थी जो शादी से पहले बनी हुई थी, बकिया 4 वो थी जो शादी के बाद बनी। तो मैं यश कहना चाहता हूँ कि कुरान का माहौल, और कुरान का माहौल खुद पैदा करें, नहीं तो तमाम जितने भी हैं उन सबको लाकर मदरसे में जमा करें। कुरान का माहौल दो। तीसरा सलाम का माहौल, किसका माहौल, अरे बोलोगे किसका माहौल, सलाम, सलाम का माहौल पैदा करें। घर के अंदर सलाम करते रहना चाहिए, सलाम से इस्लाम ताज़ा होता है। बोलो सलाम से क्या ताज़ा होता है, जन्नतियों की अलामत वो सलाम कसरत से करते हैं, अस्सलामुअलैकुम। हाँ आजकल, हाँ सास अगर शोहर आपको अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम, क्या आजकल जोरू को बहुत सलामा मार रहा, जोरू को बहुत सलामा मार रहा। अरे भाई जोरू को सलाम थोड़ी मार रहे हैं, घर के अंदर आ रहे हैं सलाम कर रहे हैं। बग़ैर सलाम के भी कोई बच्चा आ जाए, हज़रत नबी अलैहि सलातु वसलाम घर के बाहर उसे भेज देते थे और यूँ कहते सलाम करके अंदर आओ, ये सुन्नत है सलाम करके अंदर बुलाना। तो तीसरा माहौल सलाम का माहौल बनाओ, इस्लाम के पाबंद बनते रहेंगे इंशाल्लाह। चौथा माहौल जिक्र का माहौल। मैं हमेशा इस वक्त हमारे असलाफ, हमारे अकाबिर जो 3 तस्बीहात का अहतमाम करने कहते हैं, वो 3 तस्बीहात तो हम इंशाल्लाह करेंगे, उसके साथ तो साथ तवज्जो से बैठकर किबला रुख होकर बावजू होकर दरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़कर जद्दीदू ईमानकुम बिकौली ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम्हारा ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्द के ज़रिए से तजदीद किया करो, जिला बख्शा करो, मुजक्का किया करो, मुसफ़ा किया करो, और उसके अंदर पॉलिश लाया करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का हुकुम है, क्या है ये। तो आजकल लोग मुरीद बने तो जिक्र करना, भाई हम सब मुरीद ही हैं। हम सब किसके मुरीद हैं, इस्लाम के मुरीद हैं कि नहीं हैं, अरे बोले भाई हैं कि नहीं हैं। इस्लाम हमारा मुराद है, कुरान हमारा मुराद है, जन्नत हमारा मुराद है, अल्लाह हमारा मुराद है। तो अल्लाह का जिक्र करने के वास्ते 100 मरतबा मुरीद ही होना कोई ज़रूरी नहीं। क्या ही आजकल मुरीदा बन गए, कोई मुरीदा होना ज़रूरी नहीं, और बोलने के वास्ते मुर्शदा होना ज़रूरी नहीं, जिक्र करने के बाद मुर्शद बोलने के बाद मुर्शद होना ज़रूरी है क्या। ला किबला रुख होकर बैठो,
मैं इसलिए कह रहा हूँ, सही को सही, गलत को गलत, अच्छी को अच्छी, बुरी को बुरी, समझने की कैफियत और सिफत अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान के अंदर पैदा करेंगे उस वक्त जब कलिमे तैयबा का रोज़ाना सिर्फ 100 मरतबा वर्द करो। वर्द करने के बाद देखो खुद की ज़मीर कहेगी ये गलती है, ये गलत तुम्हें जो कर रही है गलत। कौन कहे? दूसरे गलत बोलते ना, गलाटा गलाटा कब है भाई? दूसरे कहीं को भी तुम्हें ऐसा कर रही, कहीं को भी तुम्हें ऐसा कर रही। शोहर बोलते जैसे करो ना तो गलाटा, कहीं को मुसीबत। आजकल हमारे शोहर हम पूरे बेचारे बोल बोल को लड़ लड़ को बेजार हो गो, कहीं को बोलना बोलना छोड़ डाले, बोलना छोड़ डाले। 90% शोहर हाँ बोलना, क्यों बोलना लड़ना, बोलना लड़ना, कौन सी मुसीबत है तू छोड़ डाले उन्हों क्या तभी कर ले को जाते मैं बोलता इसलिए बोल रही आजकल बोल रही क्या भाई बेजार हो क्या हो गए देख को भी देखने से कर जाती। संगा को जाको दंगा कर रही, संगा में जाओ क्या कर रही दंगा। एक बात याद रखो मेरे अजीज भाइयों, जितने तुम ख्वाहिशात वाली जिंदगी गुजारने का इरादा करोगे इतना खरसदार बनोगे। ख्वाहिशात को जरूरत पूरा करने के लिए खरसदार बनने की जरूरत नहीं है। वो शख्स खरसदार नहीं बनेगा जो जरूरत पूरा करता है, वो शख्स खरसदार बन जाएगा जो ख्वाहिशात पूरा करता है। और इस वक्त संगम में जाकर जो कुछ भी संगम में खरसदार बन रहे हैं वो सब ख्वाहिशात पूरा करने के वास्ते जाकर खरसदार बन रहे हैं। तो इसलिए पहली बात मैंने जो कहा वो क्या, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो, ला क़िबला रुख होकर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा बाक़ायदा कलिमे तैयबा का ला इलाहा इल्लल्लाह विर्द करें 100 मरतबा। इंशाल्लाह दिल के अंदर ऐसा नूर पैदा होगा कि वो नूर बताएगा तुम सही कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम अच्छी कर रहे हो, तुम बुरी कर रहे हो, ये सब बातें तुम गलत इंसान से मिल रहे हो। क्या ये जो आकर इंसान तुम्हारे ऊपर हमदर्दी जिता रहा है ये गलत है, इसकी भी अल्लाह ताला दिल के अंदर इशारा डालेंगे जिक्र की बरकत से। तो कितना काम करना, कितना काम हुआ भाई? 10 कामों में कितने काम हुए? 4। नंबर 5 फजाइल आमाल के घर के अंदर तालीम शुरू करो, फजाइल आमाल की घर के अंदर तालीम शुरू करो, फजाइल की तालीम शुरू करो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस फजाइल की तालीम की बरकत से घर के अंदर माहौल के अंदर तब्दीली लाएगा। फजाइल की तालीम की बरकत से एक तो काम ये शुरू करो, उसके बाद क्या करना चाहिए? अरे भाई ये 4-5 काम हो गए, या फजाइल की तालीम, फजाइल आमाल की तालीम, छठवां काम क्या? छठवां काम ये अपने बच्चों के निगरानी किया करो। मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, उसकी सहेली कौन, उसके दोस्ता कौन, उसके मिलने जुलने वाले कौन, कहाँ जा रही, कहाँ आ रही, कौन किससे मिल रही, किससे नहीं मिल रही, कैसे कौन इसके फ्रेंड्स हैं, कौन इसके मिलने जुलने वाले, निगरानी क्या क्या करो, निगरानी करो, कभी फ़ोन चेक करो। बच्चों की इजाज़त नहीं है अपने फ़ोन में लॉक डालने की, बच्चे लॉक डाल रही तो इसका मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी बेखुदी बेसबब नहीं गाली। बच्चों के पास कभी भी एंड्रॉयड फ़ोन मत दिया करो, कीपैड फ़ोन, और कीपैड फ़ोन में किससे बात कर रही, किससे बात नहीं कर रही, कभी कभार बाकायदा जाकर उसकी तफसीलात लिया करो। मेरे बच्ची के फ़ोन में किसके फ़ोन ज़्यादा आ रही चेक करो, चेक करने से पता चलेगा फौरन तुम होशियार हो सकते हो। तो ये तमाम एहतमाम निगरानी बहुत ज़रूरी है, अगर निगरानी कर लेंगे बहुत सारे फितनों से अल्लाह बचा लेगा। ये छठवां काम है हमारा, इसीलिए कहा बाप और माँ जहाँ पर मुशफिका हैं, मुरब्बिया हैं, मुअल्लिमा भी हैं, और वहाँ पर वो उनके मुरब्बिया हैं, तरबियत करने वाले, तरबियत करने वालों को चाहिए कि वो निगरानी किया करें। मुशफिका, मुअल्लिमा, मुरब्बिया, ये 3 हैसियतें होती हैं वालिदैन की।
और सातवां काम क्या करना, सातवां काम जिस कॉलेज का जिस स्कूल का इंतखाब करो, ऐसा स्कूल और ऐसे कॉलेज जहां पर बेहयाई ना हो। क्या ना हो भाई? बेहयाई नहीं, को एजुकेशन नहीं, बददीनी नहीं, ऐसा काम उस कॉलेज में उस स्कूल में नहीं हो रहा है जिसके जरिए से हमारे ईमान को खतरा है, हमारे आमाल को खतरा है, इस्लाम को खतरा है, पर्दे को खतरा है, बुरखे को खतरा है, बच्चों को खतरा है, इज्जत आबरू की खतरा है। तो ऐसे स्कूल्स जिस जहां पर खतरा है वहां से निकाल लो अपने बच्चों को। मैं पढ़ाने का दुश्मन नहीं हूं, मैं बच्चों को बिगाड़ने का दुश्मन। तुम बिगाड़ोगे इसे कोई भी आलिम बर्दाश्त नहीं करेगा, पढ़ाओगे पढ़ाओ, कौन मना कर रहा? क्यों भाई, बच्ची को डॉक्टर बनने से मना है, इंजीनियर बनने से मना है, बेदीन बनने से मना है, बेहया बनने से मना है, बेशरम बनने से मना है, बेईमान बनने से मना है, मुर्तद होने से मना है। तो इसलिए हम कहते हैं माहौल ऐसा घर का, ऐसे कॉलेज का, ऐसा स्कूल का दो जो जहां पर जाने से वो उनका ईमान महफूज रहे। सातवां आठवां, अच्छे दोस्तों की सोहबत में रखा करो, अच्छी सहेली, हमारी बच्ची को अच्छा माहौल देना, अच्छा माहौल देना ये भी माँ बाप के जिम्मे, अच्छा माहौल देना ये भी माँ बाप के जिम्मे आठवां, और अच्छे दोस्त देना ये भी माँ बाप के जिम्मे। बेटी इनके साथ रहो, बेटी इनके साथ रहो, बेटी इनके साथ रहो, ऐसी सोहबत तहकीक करो नेक लोगों से, हमारी बच्ची को हम किसके साथ रखें, हमारे बच्चे को हम किसके साथ रखें। और माहौल अच्छा देना, ट्यूशन को जारी अच्छा माहौल के साथ, सुबह जा रही अच्छे माहौल, शाम को आ रही अच्छे माहौल के साथ, अच्छा माहौल वाला दो। इसके जरिए से सराउंडिंग मैक्स द मैन, सराउंडिंग मैक्स द मैन, माहौल इंसान को बना देता है। दोस्त अलमरु अलादीनी खलीली, सहेलियां सहेलियों के मजहब पर बच्चियां होती हैं। सहेलियों का जो मजहब होता है, दोस्त का जो मजहब होता है, उसी मजहब पर दोस्त होता है। इसलिए बेहतरीन माहौल दिया करो। दसवां, बच्चों को अल्लाह से जोड़ा करो, बेहतरीन दुआ करने वाला, तहज्जुद गुजार, इशराक, चाश, कुरान जैसे कि मैंने बताया, और अल्लाह से मांगने वाले, या अल्लाह अच्छे अखलाक दे, अच्छा इल्म दे, समझदारी दे, तकवा दे, तहारत दे, फिक्र दे, जज्बा दे, पर्दा दे, हया दे। औरत को औरत इसलिए कहा जाता है कि वो पर्दे वाली होती है, और जिस औरत के अंदर पर्दा नहीं उससे पर्दा करने का हुक्म दिया शरीयत ने। बेपर्दा औरत मर्दों के हुक्म में है, और इसलिए मेरे अजीज ख्वातीन, बेपर्दा औरत ये 10 नुकसानात उठाती हैं, और पर्दे वाली औरत वो 10 फ़ायदे उठाती हैं। वो बात आप सुन लीजिए, वक्त का दामन कम है, कहना तो बहुत कुछ आ रहा था लेकिन वक्त बिल्कुल मुख्तसर है, इसलिए सुन लीजिए, बेपर्दा औरत के नुकसानात क्या, पर्दे वाली औरत के फ़ायदे क्या। बेपर्दा औरत इससे खानदान वाले नफरत करने लगेंगे, शोहर भी नफरत, बच्चे भी नफरत, घर के सास और ससुर भी नफरत, गोया खानदान में उसकी नफरत, उसकी अदावत, उससे यूं समझिए कि एक एतबार से बेजारगी पूरे खानदान में फैल जाएगा बेपर्दा औरत के बारे में। लेकिन वही पर्दे वाली औरत, उसकी मोहब्बत, उसकी अजमत, उसकी इज्जत, उसकी वक़ायत, उसकी शान, उसकी शौकत, उसका मकाम, उसका मर्तबा, उसके बारे में हर एक के दिल में मोहब्बत अल्लाह पैदा करेगा। ये पर्दे वाली बेपर्दे वाली फ़र्क। पर्दे वाली उसके तमाम औलाद फरमा बरदार, पर्दे वाली तमाम औलाद फरमा बरदार, बेपर्दे वाली औलाद पूरे के पूरे गद्दार।
कभी ना कभी हाथ देंगे। अगर कोई वफादार की तरह एक्टिंग कर रहा है, गद्दारी मौत से पहले बता देगा। क्यों? नाफरमान की औलाद नाफरमान होती है, फरमा बरदार की औलाद फरमा बरदार होती है। नंबर तीन, पर्दे वाली से शोहर हमेशा राजी, शोहर हमेशा राजी, शोहर राजी तो अल्लाह राजी। बेपर्दा औरत से शोहर हमेशा नाराज। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, एक साल, दो साल उसकी बेपर्दगी अच्छी लगेगी, लेकिन बाद में बेपर्दगी से नफरत पैदा हो जाएगी। तो इसलिए क्या कहा, शोहर नाराज। यह है तीसरा नुकसान, बेपर्दा। और चौथा नंबर, पर्दे वाली को अल्लाह ताला नूर अता करेगा, नूर। अच्छा, शोहर राजी तो क्या फ़ायदा? हदीस पाक में है, लो मातत अल-मरअ व ज़ौजुहा अन्हा रादिन दखलत अल-जन्ना। अगर इस हाल में बीवी का इंतकाल हो, शोहर उससे राजी हो, सीधे जन्नत में जाएगी। अगर शोहर नाराज़ है, जहन्नम में जाएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, चार फराइज हैं औरतों पर। पूछा क्या क्या? इदा सल्लत खमसा, पांच वक्त की नमाज़ पढ़ना, वसाम शहरहा और अपने रमज़ान का रोज़ा रखना, वताअत बालहा और अपने शोहर की बात मानना, वहफियत नफसहा इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त करना। ये चार फ़र्ज़ हैं औरतों पर। तो उस फराइज में से फ़र्ज़ क्या है? अपने शोहर की बात मानना। चौथी बात, पांचवीं चीज़, अल्लाह उस खातून को जो पर्दे वाली होती है नूर अता करेगा, नूर, हिदायत का नूर, ईमान का नूर, तकवे का नूर, तवक्कुल का नूर, जन्नती नूर। नूरहुम यसअ बैना अयदीहिम, उनका नूर जन्नत का रास्ता बताएगा हशर के मैदान में भी, और उसे उस औरत को वो नूर कब्र में भी काम आएगा। और वही बेपर्दा औरत जुल्मत वाली, कितना मेकअप करी तो भी चुड़ैली चुने, मेकअप निकलते ही उजड़ा हुआ चमन, वो नूर ख़त्म। जुल्मत ही जुल्मत, झूठ की जुल्मत, लानत। दुनिया में भी जुल्मत, कब्र में भी जुल्मत, हशर में भी जुल्मत, पुलसरात में भी जुल्मत, आखिरत में भी जुल्मत। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। ये पांचवी चीज़। छठवीं चीज़ क्या है? छठवीं चीज़, उलमा ने फरमाया कि जो पर्दे वाली खातून होती हैं, अल्लाह उससे हिदायत की, हिदायत का ऐसा काम लेंगे, उसके ज़रिए से बहुत सारे राह रास्त पर आएंगे, बहुत सारे सुधरेंगे। घर की औरतें भी, बच्चियां भी, बहुएं भी, जितने मुतल्लिकीन खातून होंगी, सबके सब पर्दे वाली खातून की बरकत से सुधर जाएंगे। और बेपर्दा औरत का क्या होगा? सब जो भी उसके साथ है सब बिगड़ जाएंगे, पूरे के पूरे भगोड़े बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बेपर्दा का नतीजा बेपर्दा। घर के अंदर की औरतें सबके सब बेहया, बेशरम, बेमुरव्वत, बेगैरत हो गई हैं। किसकी वजह से? बेहया औरत की वजह से। और जो हया वाली औरत होती है, उसके 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 साथ रहने वाले पूरे के पूरे हया वाले बनेंगे, फरमा बरदार बनेंगे, शर्म वाले बनेंगे, तकवा वाले बनेंगे, तहारत वाले बनेंगे। सातवां क्या? अल्लाह ताला उस अल्लाह की बंदी का, बंदी की मौत आसानी से अता करेगा, कलीमे वाली मौत नसीब होगा उस बंदी को जो बंदी पर्दे वाली होती है। क्यों? तमुतून कमा तहयून, ऐसे ही मरोगे जैसे तुम जिए हो। फरमा बदारी के साथ जिए, अल्लाह फरमा बदारी वाली मौत अता फरमाएगा। और ऐसी मौत अता फरमाएगा, मन अहब लिका अहबब लिका हो, मन करह लिका ही करह लिका हो। आपने फरमाया, जो मुझसे मिलना चाहे मैं भी उससे मिलना चाहूँ, जो मुझसे मिलना ना चाहे मैं भी उससे मिलना नहीं चाहता, अल्लाह कहते हैं। तो पर्दे वाली मौत, पर्दे वाली औरत की मौत अल्लाह से मिलने वाली चाहत के साथ होगी, अल्लाह भी उसे मिलना चाहेगा। और जो बेपर्दे वाली होगी, अल्लाह हिफाज़त फरमाए, वो ऐसी हालात सकरात में तकलीफ़ पाएगी, वो मरना ही नहीं चाहेगी, अल्लाह से मिलना नहीं चाहेगी, अल्लाह भी उसे मिलना नहीं चाहेगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए हम सब। और सात आठवीं बात, अल्लाह कब्र की ज़िंदगी,
جنت والی زندگی بنا دیں گی۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں اللہ کے رسول کا قول نقل کرتے ہوئے، جس کے قبر کی منزل اللہ نے کامیاب کر دیا، اس کے بعد کے تمام منازل کامیاب، بہتر، افضل اور خوبیوں والی بن جائیں گی۔ اگر کسی کی قبر اگر تنگ ہو جائے، تکلیف والی ہو جائے، پھر اس کے بعد کے آنے والے تمام مراحل، اول منزل من منازل آخرہ، وہ قبر ہے پہلی منزل، اگر یہ منزل میں کامیاب تو تمام منازل میں کامیاب، اگر یہاں ناکام تو تمام منزلوں میں ناکام۔ تو جنتی عورت بن کر پردے والی بہن وہ قبر میں چلی جائے گی، اور جو بے پردہ ہوگی، نافرمان ہوگی، وہ قبر میں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تکلیف اٹھائے گی، اور وہی تکلیف والے حالات پورے حشر کے میدان میں ہوگی۔ نمبر 9، بجلی کی طرح اللہ تعالی پل صراط پر پار کر دے گا، اور کسے؟ جو پردے والی ہوگی، اور جو بے پردہ ہوگی وہ بہت حالات اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ کب؟ جس وقت میں وہ پل صراط پر سے گزرے گی۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو پار ہو گئی تو وہ سیدھے جا کر آب کوثر پیے گی، من شرب منہ لم یظما ابدا، جو ایک مرتبہ سرکار کے ہاتھوں سے آب کوثر پی لے، فرمایا وہ اس کے بعد کبھی پیاسی نہیں ہوگی۔ لیکن جو بے پردہ والی عورت ہے وہ پل صراط پر پار کر ہی نہیں سکے گی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کٹ کر جہنم میں گر جائے گی۔ دسویں بات بتائی کہ جس وقت حساب کا وقت آئے گا، اللہ مختصر حساب لے کر آسانی کے ساتھ جنت میں داخل کرا دے گا، لیکن بے پردے والی عورت وہ حساب دیتے 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 من نوقشا اس زبا، فرمایا حضور علیہ السلام نے، جس کا حساب سختی کے ساتھ لیا جائے وہ عذاب میں مبتلا کر دی گئی۔ اس لیے محترم ماؤں بہنوں، پردے کو ہم ہلکا نہ سمجھیں۔ پردہ کھال کا بھی پردہ ہے، بال کا بھی پردہ ہے، حال کا بھی پردہ ہے، شال کا بھی پردہ ہے، اور اپنے دل اور دماغ کا بھی پردہ ہے۔ کیا مطلب؟ میرے بہنوں، اپنا مال سب کے سامنے نہ دکھائیں، اپنا لباس سب کو نہ دکھائیں، اپنا چہرہ سب کو نہ دکھائیں، اپنا چمڑا سب کو نہ دکھائیں، اپنے بال سب کو نہ دکھائیں، اور اپنا حال، اپنا درد اور اپنا دکھ کسی کو نہ سنائیں سوائے اللہ کے۔ اللہ کو سنا اپنا درد اور دکھ، دنیا والے تمہارا درد دکھ سن کر مذاق اڑائیں گے، اور اللہ اس کا حل کرے گا۔ سب کے سامنے مت سنا کر اپنے آپ کو ذلیل مت کرو، اور فرمایا اپنے قال کا بھی پردہ، اپنی آواز کو بھی پردے میں رکھو۔ اسی لیے کہا کہ جس وقت آپ اپنے گھر سے باہر جائیں تب بھی اپنا چپل آپ باقاعدہ پردے میں، پلاسٹک کور میں رکھ کر گھر کے اندر رکھو۔ اتنا پردے کا اہتمام کرو کہ گھر کے اندر کتنی عمر کی بچی رہتی ہے، عورت رہتی ہے، ہرگز ہرگز پتہ نہ چلے۔ چپل کو دیکھ کر لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں گھر کے گھر والے کس عمر کے ہیں، گھر والے کتنا مال والے ہیں، کسے دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں؟ چپل کو۔ اس لیے چپل بھی پردے میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی بھی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے سب سے گزارش کرتا ہوں، جو باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں پر نیت کرو، انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے، تمام انشاءاللہ نیت کریں گے۔ اللہ رب العزت ضرور ہماری اس مجلس کو سبب بنا کر پورے علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ عافیت والا، راحت والا فیصلہ فرمائیں گے، اور ہماری اس وقت میں جو دکھ بھرے خبریں ہم سن رہے ہیں وہ تمام خبریں انشاءاللہ سننا بند ہو جائے گا، اور جو ہماری بچیاں گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ واپس آ جائیں گی۔ ہم سب کے حق میں دعا بھی کریں گے، خیر خواہ بنیں گے، بہتر سے بہترین ماحول بنائیں گے، اور اپنے شوہر کے تابع ہو کر سب مل جل کر انشاءاللہ بہتر سے بہترین ماحول بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں ہمارے اس محنت کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، مدرسے کے ساتھوں ساتھ جو بڑی بہنیں ہیں وہ تین دن اللہ کے راستے میں جماعتوں میں نکلا کریں، تاکہ نکلتے ان کا ذہن بھی بنے گا، دیندار بننے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
माशाल्लाह हजरत वाला ने आपके सामने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में बड़ी तफसील के साथ हजरत वाला को जो अनुमान दिया गया था, जो मौजू दिया गया था, उसका हक अदा करते हुए तफसील से आप हजरात के सामने, आप माँ बहनों के सामने बात करवाई है। सबसे दरख्वास्त है कि जो कुछ आपने सुना है उस पर अमल करने की नीयत लेकर यहाँ से जाएं। और हम हजरत वाला का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हजरत वाला ने बड़े ही अच्छे अंदाज में हमारे सामने बात रखी। अल्लाह हजरत वाला को जज़ाए खैर अदा फरमाए और उनकी उनका साया हम पर कादिर कायम दायम फरमाए। इसके बाद